हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ झटपट वाली एक बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी प्री कुक्ड मटन के साथ। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके पास बचा हुआ थोड़ा सा मीट है तो आप ये रेसिपी बहुत आसानी से आधे घंटे के अंदर बना सकते हैं। लॉकडाउन में ये रेसिपी सिर्फ 2 से 4 लोगों के लिए बन रही है, तो बनी रहे मेरे साथ। इंग्रेडिएंट नोट करें और इसके आसान से सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पर हम घी डालते हैं और 1 मीडियम साइज प्याज को बारीक कतर कर इसे लाइट ब्राउन कर लेना है। प्याज ब्राउन हो चुका है तो इसे निकाल लेना है। अब बचे हुए तेल में हम डालेंगे 1 आलू बड़े साइज का छोटे टुकड़े में कटा हुआ, 1 टमाटर बड़े साइज का छोटे टुकड़े में कटा हुआ और 3 कुक्ड मटन। तो ये है मटन, लगभग 4-5 पीस है। यहाँ पर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला, शाम बिरयानी मसाला। यहाँ पर हमने शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला इस्तेमाल किया है। तो अब इसे थोड़ा सा हिला लेते हैं। फ्लेम को अभी हमने धीमा रखा हुआ है और इस मसाले में इतनी खुशबू होती है कि ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। और मीट को हमें गलाना नहीं है, बस 5 मिनट हम इसे गलाएंगे ताकि आलू थोड़ा सा नरम हो जाए। आज अभी तक हमने मीडियम रखा हुआ है और यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून गाढ़ा दही। 2 मिनट इसे हिला लेते हैं, फिर इसमें थोड़ा पानी हम डालेंगे गलने के लिए। अच्छी तरह से हिला लें वरना दही के फटने का डर होता है। अब यहाँ पर हमने 2 मोटी वाली हरी मिर्च डाली है, जो ज़्यादा तीखी नहीं होती है, बस इसका स्मेल अच्छा होता है तो बहुत ताज़गी मिलेगी बिरयानी में। अब इसमें गलने के लिए हमें पानी डालना है, तो पानी इतना डालना है कि आलू गल जाए। और गलने के बाद इसमें लगभग 1 कप तरी बची रहे, जिससे हमारा हाफ डन बासमती चावल गलने में मदद मिलेगी। अब इसे ढककर 10 मिनट के लगभग पकने देना है ताकि 80% हमारा आलू गल जाए। अब एक खुले मुंह के बड़े से पतीले में चावल से 8 गुना ज़्यादा पानी लेना है और उसमें नमक डाल लेना है। मैंने 250 से 300 ग्राम के लगभग चावल लिया है और यहाँ पर 1 टीस्पून भरकर लगभग 1.5 टीस्पून हमने नमक डाला है, साथ में 1/4 टीस्पून स्याह जीरा हमने डाला है। अगर स्याह जीरा नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर सफ़ेद जीरा ना डालें। अब पानी में उबाल आ गया है तो यहाँ पर धुला और छना हुआ चावल डाल देना है। हमने यहाँ पर बासमती चावल इस्तेमाल किया है, लॉन्ग ग्रेन देहरादून बासमती चावल, जो कि 1 साल पुराना है। ये चावल उबाल आने के बाद सिर्फ 6 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। हमें यहाँ पर 70-80% कुक चावल ही चाहिए, यानी कि 1 कन्नी रहते हुए ही हम इसे पसा लेंगे। इसी बीच बिरयानी में जाने वाली दूसरी चीज़ों को इकट्ठा कर लें ताकि कोई चीज़ छूटे नहीं। तो यहाँ पर है इलायची पाउडर, चंपई रंग खाने वाला जिससे अक्सर मैं मीठा चावल बनाती हूँ, साथ ही धनिया और पुदीना की कटी हुई फ्रेश पत्तियाँ हैं और केवड़ा है। अब 10 मिनट गुजर चुका है, मीट को हमें खोल कर देखना है। तो देखिए, मीट तो पहले ही गला हुआ था, सिर्फ हमें आलूओं को गलाना था, तो आलू भी अब तैयार हो चुका है और पानी हमारे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 1-2 मिनट इसे खोलकर मैं थोड़ा सुखा लूँगी।
चावल को आप देख लें, ये लगभग 70% गल चुका है और अब इसका पानी हम छान लेंगे। तो ये चावल रेडी हो चुका है। आप एक दाने पर नज़र डालकर देखें, ये गल तो गया है लेकिन अभी बिल्कुल फैला नहीं है, बंधा हुआ है। तो यहीं पर हम इसे पसा लेंगे। अब मीट का पानी भी सूख चुका है और इतनी तरी हमें चाहिए ही चाहिए। तो अब यहाँ पर हमें चावल का तह लगाना है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी कटी हुई इस पर हरी धनिया और पुदीना के पत्ते डालेंगे, इससे एक्स्ट्रा खुशबू भी मिलेगा और अच्छा टेस्ट भी आएगा। अब यहाँ पर उबले और छने हुए चावल को हमें बराबर बराबर फैला कर डाल देना है। इसे हम लेवल कर देंगे और जो पानी है उसमें ये चावल बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा। तो फ्लेम को हमें इस तरह से करना है कि सबसे पहले हमें इसे 3-4 मिनट तक तेज़ फ्लेम पर पकाना है। उसके बाद फ्लेम को धीमा करके इसे 10 मिनट तक हमें दम पर रखना है और फिर फ्लेम को बंद कर देना है और 15 मिनट तक उसी तरह से पड़े रहने देना है। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे खोल कर देखेंगे। बिरयानी को पहले आँखों के रास्ते उतरना होता है, तो इसे दिखने में बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत ही प्रेजेंटेबल होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि उसे देखकर खुद ब खुद भूख लग जाए। तो अब यहाँ पर जो हमने थोड़ा सा क्रिस्प प्याज निकाला था वो डाल देते हैं। तो थोड़ी सी घी भी इसमें ऊपर से शामिल कर दें ताकि बहुत अच्छी सी रिच खुशबू इसमें आ जाए। और अब थोड़ा सा केवड़ा, या आपके पास अगर रोज़ वाटर है तो वो भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस लाजवाब से बिरयानी को बनाने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझिए कि मिनटों में ये बन जाने वाली बिरयानी है। तो चलिए अब इसे ढक देते हैं और 10 से 12 मिनट के लिए दम पर रखते हैं। ध्यान रहे कि इस पॉट के नीचे बेहतर होगा अगर आप एक थिक बॉटम तवा रख दें ताकि ये नीचे से जले नहीं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं तैयार होने के बाद ये बिरयानी कितनी लाजवाब लग रही है और आप ये भी सोचें कि ये कितने आसान तरीके से बनाया गया है। तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। जब भी कभी आपको बिरयानी खाने का दिल करे, मीट रहे या ना रहे, आप इसे न्यूट्री नगेट और आलू की सब्ज़ी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, किसी दूसरी मौसमी सब्ज़ी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, गोभी और आलू की सब्ज़ी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। एंड रिजल्ट हमेशा इसका बेहतरीन आता है। बस आप 1 टेबल स्पून शान बिरयानी मसाला इस्तेमाल कर लें। उम्मीद है यह रेसिपी आपको कभी मायूस नहीं करेगी। तो इसे देखते हैं हल्के से अंदर से। देखिए, बिरयानी खोलने का तरीका यही है कि आप पूरी बिरयानी को छेड़छाड़ ना करें, बस एक तरफ से बिरयानी मिलाते जाएं और सर्व करें। देख सकते हैं आप कितना ये सूखा हुआ निकल रहा है, बिल्कुल पानी की कहीं पर भी पानी नहीं है, ना ही बहुत कड़ा है। और अब आप इसमें मीट देख सकते हैं। मीट को नीचे रखने की वजह से ये बिल्कुल कबाब की तरह से टेस्ट इसका हो जाता है, बहुत ही अच्छा और सुंदर। और आप चावल के दानों को देख सकते हैं, ये बिरयानी है। तो आप भी इसे बनाएं, बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है। तो उम्मीद है आज की रेसिपी को आपने एंजॉय किया होगा। तो बनाएं, खाएं और खिलाएं, और अगर पसंद आए तो रेसिपी को शेयर करें।